Welcome back to SKS classes. This is online grammar class. आपको पता है हमने parts of speech ये lesson start किया है. Part 1 video बहुत अच्छा response आप लोगों ने किया. Part 2 video भी आ चुका है और ये है part 3. Part 1 में हमने parts of speech और noun इसके बारे में पढ़ाई की. Part 2 में noun के types है, उसमें से दो टाइप्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और ये है पार्ट 3 जिसमें हम नेक्स्ट दो टाइप्स सीखेंगे. तो चलिए, आप यहाँ ये बैनर देख रहे हैं, ये हमारा इंफॉर्मेटिव बैनर है जहां पे आप हमारे लाइव जूम क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. जस्ट आपको आपका नाम स्टैंडर्ड व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबर पर. फिर से एक बार ये चार्ट जहां पे हमने टाइप्स लिखे थे, ये 10 टाइप्स हैं और दो इंक्लूडेड टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं. पहला हमने कंप्लीट किया कॉमन नाउन, अ नेम गिवन टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक कॉमन, अ नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक थिंग पीपल पर्सन प्लेस प्रॉपर नाउन. इसका होमवर्क भी आप लोगों ने पार्ट 2 वाले वीडियो में कर लिया होगा. अब आज हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. जैसे हमने पहले ही बता दिया है कि ये एक रिलेटेड टॉपिक्स है, इसलिए समझने में इजी होते हैं, तो एक वीडियो में हम दो टॉपिक सीख रहे हैं. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए. बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशंस और स्टडी रिलेटेड वीडियोज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे. आपके दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हो. आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो. साथ में ही आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी आंसर किए जाएंगे. सजेशंस हो तो भी आप कमेंट्स में दे सकते हो. चलिए, तो अब आज का हमारा पार्ट स्टार्ट करते हैं. नाउन टाइप 3 और 4, फर्स्ट एंड सेकेंड हम पढ़ चुके हैं. नाउन का टाइप जो है 3 और 4 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. जनरली अगर आप देखो तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है. एक एब्स्ट्रैक्ट आता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉन्क्रीट आता है. एब्स्ट्रैक्ट का अगर मैं मतलब बता दूं तो इनविजिबल, अगर आप कहो इनविजिबल, समझने के लिए आपके लिए इनविजिबल, और ये विजिबल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आएगा ऐसा नाम होगा जो दिखाई नहीं देगा, विजिबल वाला दिखाई देगा. और एक एक चीज है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो आपकी 5 senses में से कोई भी एक सेंस उसको नहीं पहचान सकते. 5 में से कोई नहीं, 5 की 5 भी नहीं. कॉन्क्रीट, कोई भी एक सेंस इसको पहचान ले वो कॉन्क्रीट हो जाता है. आप बोलोगे सर ये कौन सी डेफिनेशन है. यस, That is the proper definition. Abstract noun वो noun होता है जिसे हमारी जो भी senses है, कौन सी है, eyes है, ear है, nose वाला है, फिर आप skin कह सकते हो, tongue, इसमें से कोई भी sense पहचान नहीं सकती है तो abstract noun हो जाएगा. जैसे cleverness. अब कोई clever कितना है, ना आंखों से देख सकते हो, ना कानों से सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना फील कर सकते हो, तो क्लेवरनेस नजर नहीं आएगी. ऑनेस्टी बिल्कुल नजर नहीं आएगी. कोई सर पे लेके ऐसे उसका ताज पहन के नहीं घूमता. कॉन्क्रीट नाउन, ऑब्वियसली ये नाउन कौन सा होगा, ये तो कोई ना कोई सेंस पहचान ले. जैसे एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बोला क्लेवरनेस, वैसे कॉन्क्रीट में आप बोलोगे सर इजी वाला बोल दोगे आप, स्टोन वगैरह. नहीं, थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं. म्यूजिक ले लो, साउंड ले लो, है ना, म्यूजिक ले सकते हो. अब म्यूजिक कहां दिखाई देता है. ओके, मैंने बोला 5 में से कोई भी एक सेंस, तो म्यूजिक कानों से सुना जा सकता है, इसलिए कॉन्क्रीट नाउन हो गया. 5 senses में से कोई भी एक सेंस. चलिए, तो अब हम डेफिनेशन ले लेते हैं जो आप नोट डाउन भी करोगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन आइडिया. It refers to idea or a concept that does not exist, जो exist ही नहीं करता.
ऐसी वाली आइडिया और कंसेप्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे हम कहेंगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल है, आइडिया है या कोई कंसेप्ट है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, विच कैन नॉट बी टच्ड, और वी कैन से दैट प्रॉपरली इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय आवर फाइव सेंसेस। सिक्स्थ सेंस होती नहीं है, वो तो बहुत रेयर केसेस में आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में। कैसे है? जैसे फ्रीडम, अभी मैंने एग्जांपल ऐसा ही वाला दिया था, क्लेवरनेस, फ्रीडम। अभी देखिए, फ्रीडम आप ना देख सकते हो, ना उसे सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, इट इज अ कंसेप्ट आइडिया। सैडनेस, कोई हंस रहा है बहुत दुखी है, कैसे पहचानोगे, नहीं बोल सकते यहाँ पे सैडनेस। ये हम कोई भी पांच सेंसेस से नहीं पहचान सकते, वैसे परमिशन नहीं पहचान सकते। क्लेवरनेस है, ऑनेस्टी है, एंगर है, ये चीजें, ये वर्ड्स है, ये नाउन्स है, हाँ ये भी नाउन्स है, और ये नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं क्योंकि इन्हें हमारी पांच सेंसेस नहीं देख सकती है, या आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। सेकेंड डेफिनेशन, कॉन्क्रीट नाउन। अब ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट आएगा, अ कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे पहले वाला ऑब्जेक्ट था ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, विच इज रियल इन द वर्ल्ड, है, प्रेजेंट है। अब आप एकदम सिंपल एग्जांपल है, डॉग है, बॉल है, आइसक्रीम है, ये सारे फिजिकल है, आप टच कर सकते हो। फिर आप बोलोगे पहला म्यूजिक कैसे बोला, मैंने बोला आपको प्रॉपर डेफिनेशन क्या दी है कि पांच सेंसेस में से कोई भी नहीं पहचान सकता एब्स्ट्रैक्ट, कोई एक ने भी पहचान लिया कॉन्क्रीट ना, समझा क्या? एब्स्ट्रैक्ट पांचों सेंसेस, कौन सी पांच है, आपकी आईज, नोज स्मेल वाली सेंस, ईयर्स, टंग और स्किन, इसमें से कोई नहीं पहचान पाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर किसी एक ने भी पहचान लिया, जैसे म्यूजिक को ईयर्स ने पहचान लिया, तो वो हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कॉन्क्रीट नाउन लेफ्ट साइड पे, एप्पल। अब ये नाउन है जिसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जो भी एप्पल तो इस प्रोडक्ट का नाम है। एनी पर्सन, आदमी होगा वो तो दिखाई भी देगा ना, यहां पीस लिखा है, शांति, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये है मन की शांति वाला जो दिखाई नहीं देता। लव, कांट सी, दीज टू आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विच वी कांट फील विथ आवर फाइव सेंसेस, एंड if any of the sense can identify it, it is concrete noun. If no sense can identify it is abstract noun. Is it clear? तो अब आप बहुत सारे examples ऊपर भी देख सकते हो, sadness, permission, freedom, students ने live lectures में बहुत सारे examples दिए और इतनी सारी list भी लिखी है, आगे आपको homework में मिलेंगी। चलते हैं आगे, abstract noun और concrete noun. कितना सिंपल है, पोनी इस वाले एनिमल का नाम है, अब देख सकते हो, टच कर सकते हो, गर्ल आपको पता है, ये तो कहीं भी आपको देखने मिल जाएगी, देखने एक सेंस ने काम कर दिया, काम खत्म है। ट्री देख लो, ऑब्वियस है, टच भी करोगे, देख भी सकते हो, स्मेल भी आ जाएगी, फील भी हो जाएगा। बुक कॉन्क्रीट है, कार कॉन्क्रीट है, ट्रस्ट विश्वास कहाँ देखोगे, नहीं मिलता, आपकी पांचों सेंस फेल हो जाती है, इधर वाले सारे कॉन्क्रीट थे और इधर वाले सारे आपको मिलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, क्या नाउन्स, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट ही याद रखोगे। जैसे देखिए स्माइल कर रही है, इसका फेस नहीं देखना है हमको, हमें इस वर्ड से लेना देना है हैप्पीनेस। अब इसका फेस अगर ढक भी दे हम लोग तो हैप्पीनेस कहां से पता चलेगी, नहीं। सो हैप्पीनेस ये वर्ड है जिसे फील नहीं किया जा सकता हमारी पांच सेंसेस से। नॉलेज देख लीजिए, कोई बड़ा सा आदमी आ रहा है और आपको बहुत अच्छे सूट बूट में दिख रहा है, आप बोलोगे कितना पढ़ा लिखा है, और बाद में पता चले कि वो तो पागल है, बस कपड़े पिना के लेके आया, वो पहली स्टैंडर्ड में भी गया नहीं है, तो नॉलेज कहां से पता, आपको खुद नॉलेज नहीं है फिर, तो नॉलेज कैसे पहचानोगे, नहीं पहचान सकते, पांचों सेंसेस नहीं देख सकते। हेल्थ,
किसी की हेल्थ, हम बॉडी रिलेटेड नहीं बोल रहे, कोई हेल्थ से गुड है कि बैड है, कांट से. लव, अफेक्शन, ये वर्ड्स हम पांच सेंस से फील नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई ये सारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट. ऐसे कह दो इनविजिबल, गायब वाला नाउन मतलब एब्स्ट्रैक्ट, और जो टच कर सकते हो सॉलिड वाला नाउन मतलब कॉन्क्रीट. कितना हो गया, सिंपल हो गया. गायब जो होगा इनविजिबल एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, पांचों सेंसेस के लिए गायब है, और जो विजिबल है सॉलिड है कॉन्क्रीट नाउन है. इज इट क्लियर? अब आप इसको पॉज करके इन वाले पॉइंट्स को लिख सकते हो, ये सारे वर्ड लिस्ट में करो या ऐसे ड्रॉइंग करो, दैट्स योर चॉइस. अब आगे प्रैक्टिस के लिए चलते हैं. और यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपको नजर आ रहे हैं. अब कितना है ब्रेवरी, कौन कितना ब्रेव है, वो लड़ रहा है, हम घर बैठे कैसे देख लिया और वो घर पे आ गया है, ब्रेवरी नहीं नजर आती. वो बहुत ताकतवर दिख रहा है, इसका मतलब ब्रेव होगा ऐसे नहीं. आपने मूवीज में देखा है बहुत ताकतवर होता है लेकिन चूहे से डर जाता है. तो ब्रेवरी हम किसी की बॉडी से नहीं रिलेट कर सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं हम गेस कर सकते, पांचों सेंस नहीं पहचान सकती. फेवरेट, कौन सी चीज फेवरेट है, कैसे पता चले इसको? मैंने स्मेल नहीं बोला, पिज्जा की स्मेल नहीं बोला, पिज्जा नहीं बोला मैंने, मैंने बोला फेवरेट, ये वर्ड. किसी का एंगर, किसको कितना गुस्सा है, अगर वो हंस रहा है प्यार से बात कर रहा है वो गुस्सा है कि नहीं, आपको कैसे, आपको आपके पेरेंट गुस्सा है कि नहीं पता नहीं होता पहले, तो डांट दे तो गुस्सा होता है. सो एंगर किसी का होगा, वो भी हम पांचों सेंसेस से नहीं पहचान सकते. अगर वो शांति बैठा है तो कैसे पता चले गुस्सा है. चाइल्डहुड, ये आपके बचपन का एक वर्ड है, चाइल्डहुड, ये चाइल्ड हो तो पहचान सकते थे, चाइल्डहुड नहीं पहचान सकते, ये पांच सेंसेस नहीं बता सकते. फ्रेंडशिप, फ्रेंड को पहचान सकते हो, देख सकते हो, सॉलिड है फ्रेंडशिप, ये वर्ड कॉन्क्रीट नहीं है. ये सारे वर्ड्स कैसे हुए, एब्स्ट्रैक्ट. अब ये एब्स्ट्रैक्ट वाला देख लिया, फिर से आप वीडियो को पॉज करके लिखिए दो बार तीन बार, बहुत सारे वर्ड्स आने चाहिए, एग्जाम्स में काम आते हैं. हमने लाइव एग्जाम्स ले लिए और थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे एट नाइन स्टैंडर्ड को कम्पीट करते हैं, 80-90% से भी ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तो जरूर लिखिए. कॉन्क्रीट नाउन्स देखते हैं. अब आपको डेफिनेशन तो पता है, जिन्हें हमारी पांच सेंस में से कोई एक सेंस पहचान सकती है, कॉन्क्रीट हो गया. जैसे बेबी, अब ये वर्ड में जो भी होगा वो दिखाई भी देता है, टच भी कर सकते हो. ट्री, ये भी तो नाउन है ना, पेड़ का नाम ट्री है, मतलब ट्री और पेड़ एक ही है, सो आप टच भी कर सकते हो, देख लिया, काम खत्म हो गया. फ्लावर्स, ऑब्वियस है कि आप देख सकते हो, स्मेल करके भी बोल सकते हो कि फ्लावर है, मतलब हो गया एक सेंस ने तो काम कर दिया. वाटर, दिखता है, टच भी होता है. कंप्यूटर, ये तो हार्डवेयर हार्ड ही होता है, ये तो सॉलिड है. एलिफेंट, नाइस, सर्कस वाला लग रहा है, गुस्सा हो गया, उसका एंगर नहीं दिखेगा लेकिन एलिफेंट दिखेगा. तो ये सारे वर्ड्स कैसे हुए, कॉन्क्रीट नाउन्स हुए, जिसे हम पांच सेंस में से कोई एक सेंस. जैसे देखिए, मैंने डेफिनेशंस में ऐसे भी पढ़ा सकता था, जिसे टच कर सकते हैं कॉन्क्रीट है, लेकिन मैंने बोला पांच सेंस. पांच कौन सी है, आपकी आंखें हैं, कान है, नाक है, टंग है और स्किन है. ये पांच अगर पहचान सकती है तो कॉन्क्रीट है, पांच में से कोई एक भी पहचान सकती है तो कॉन्क्रीट है, लेकिन कोई पांचों में से कोई नहीं पहचान पाया, आइडेंटिफाई हुआ ही नहीं, आप फील ही नहीं कर पाए उसे, तो हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट है. जैसे मैंने म्यूजिक वर्ड बोला, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, आप म्यूजिक को हाथ नहीं लगा सकते, आप उसे टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसकी स्मेल नहीं ले सकते, चार तो फेल हो गया, लेकिन कानों से सुन सकते हो, और कान भी आपके लिए क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो आप सेंस करते हो साउंड वाला. दैट्स व्हाई म्यूजिक क्या हुआ, कॉन्क्रीट नाउन हुआ, नहीं तो वहां पे आप फेल हो जाओगे, बोल दोगे कि म्यूजिक दिखाई नहीं देता. मैंने बोला पांच सेंस को डिसाइड करना है, पांचों सेंस का आंसर देखिए क्या आता है, कोई एक सेंस भी पहचान ले तो कॉन्क्रीट होगा, पांचों फेल हो गई तो एब्स्ट्रैक्ट होगा. इज इट क्लियर? आई होप कि आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हो. देखिए और थोड़े से एग्जांपल्स और डेफिनेशन अच्छी वाली यहाँ पे इजी जो आपके लिए अभी तक मैंने बोली है. एब्स्ट्रैक्ट इनविजिबल, कॉन्क्रीट विजिबल, दो वर्ड्स में भी बोल सकते हो. इट इज इनविजिबल और ये विजिबल. अब देखिए, लव एब्स्ट्रैक्ट हुआ, ट्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट हुआ,
नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट हुआ, दिखाई नहीं देता नॉलेज किसी का, बुक दिखाई देती है। अब डेफिनेशन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड दैट रेफर टू entities that we cannot feel with our five senses. We cannot feel with our five senses. Those words or nouns or things, whatever in the world, which can't be filled with our five senses, the name of those things, that all the objects goes under abstract noun section. What's concrete on the right side? Book can be touched, tree can be seen and touched, car also. A concrete noun, on the other hand, can be detected and felt with our five senses. पांच में से कोई एक भी चलेगा, one of our five senses कह सकते हैं। पांच में से कोई एक भी देख ले, टच कर ले, जो भी फील कर ले, हो गया कॉन्क्रीट। और पांचों cannot, we cannot see or feel with our five senses. We cannot feel with our five senses. That is abstract. पांचों से नहीं कर सकते feel, abstract. और पांच में से कोई एक भी कर ले, concrete. Have you got this? So, चलिए आगे चलते हैं प्रैक्टिस के लिए. आप इसे लिख सकते हो. देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं. अब यहाँ पे आपका कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो उसे. आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, हमारे रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाते हैं. और अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो तो वहां पे भी क्वेश्चन आपको आंसर किया जाएगा. कॉन्क्रीट नाउन, जैसे मैंने बोला, आर द वर्ड फॉर थिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस. कॉन्क्रीट, जिसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, मतलब आप पांच सेंस से पहचान सकते हो, पांच में से कोई एक. कैन बी एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली थ्रू द सेंसेस. पांच सेंसेस ही होती है, जैसे शू, शूज है, हाउस देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेबल है, ट्री है, कैट है, ऐसे लिस्ट करके लिखिए. स्काई, एरोप्लेन, डोर, बॉटल, फ्रेंड, बेबी. फ्रेंडशिप नहीं बोला है, फ्रेंड बोला है, ठीक है? नहीं तो फिर बोलोगे उधर नहीं बोला था. अब एब्स्ट्रैक्ट वाला देखिए. दीज आर द वर्ड फॉर थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्सपीरियंस. अलग अलग डेफिनेशन है, जो याद कर सकते हो कोई एक ही कर लो एब्स्ट्रैक्ट के लिए, और कॉन्क्रीट के लिए एक एक डेफिनेशन. डायरेक्टली थ्रू द सेंसेस, हम हमारी पांचों सेंसेस से इसे एक्सपीरियंस, मतलब फील नहीं कर सकते. मीनिंग सेम है, उधर फील बोला, इधर एक्सपीरियंस बोला. जैसे फ्रीडम, ना आंखों से दिखता है, ना कानों से सुनाई देता है, ना नाक से आपको समझता है, ना टंग से, ना स्किन से. एजुकेशन, मतलब अगर मैं कहूं देखिए कितना बड़ा वाला एजुकेशन रास्ते से आ रहा है, क्या कहां दिखेगा, क्या होता है एजुकेशन? ये ऐसा वर्ड है जो पांच सेंसेस नहीं पहचान सकते. वाव, आई गॉट हैप्पीनेस आउट देयर, आई कैन सी हैप्पीनेस? नो, आई कैन सी द रिएक्शन ऑफ योर फेस, इट्स गिविंग अ स्माइल, देन आई कैन से इट इज हैप्पीनेस. बट हमको क्या पता वो झूठ मूठ की स्माइल होगी. सो हैप्पीनेस वर्ड हम फील नहीं कर सकते हमारी पांच सेंस से. डेमोक्रेसी, फ्रेंडशिप नहीं फील कर सकते, ठीक है? क्लेवरनेस फील नहीं कर सकते, ऑनेस्टी फील नहीं कर सकते, म्यूजिक कर सकते हो, कानों से कर सकते हो, इसलिए म्यूजिक जाएगा कॉन्क्रीट में. फिर से आपको याद दिलाया मैंने, इस तरह का वर्ड होता है जिसको पांच में से एक सेंस काम करती है तो भी वो कॉन्क्रीट हो जाता है. चलिए तो यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर ली बहुत सारे वर्ड्स की. इससे ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं आपको, पता है, हर टाइप के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं आपको. क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, आप इसे लिख सकते हो, प्रैक्टिस करिए. डेफिनेशन कोई भी एक ही लर्न करिए या तो दोनों भी कर दीजिए. कॉन्क्रीट नाउन की लिस्ट मिलेगी आगे के पेज पे आपको सारे. अब आपको कोई डाउट भी हो सकता है, हमारे स्टूडेंट से बोला तो सर ये म्यूजिक वर्ड है ना सर, ये तो दिखाई नहीं देता, मैंने आपको क्लियर किया पांच सेंस. अब दूसरा देखिए, वॉइस, मेरी आवाज आपको आ रही है, कानों से सुन रहे हो, एक सेंस है आपकी काम कर रही है ना, हो गया कॉन्क्रीट, हो गया कौन सा टाइप हो गया, कॉन्क्रीट. स्मोक, आप बोलोगे सर स्मोक तो दिखाई देता है ना आंखों से, हो गया टेंशन फ्री. आपके डाउट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट ने डाउट बोला, मैंने बोला रॉन्ग है, फिर उन्होंने कल बोला सर नहीं नहीं करेक्ट है. आप लोग को पहले बता रहे हैं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, जो लेट हो रहे हो, कि जिन्होंने वीडियो पहले हमारी लाइव लेक्चर्स नहीं किए. अब आप देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड ले लो जो आपको दिखाई देता है और उसको पांच सेंसेस से टैली करिए कि कौन सा, सैंड है, ट्र
ट्रक है, कॉफी, फिंगर, इधर जाओगे वेल है, टाइगर है, नोज, हेड, एरो, फिश, सॉल्ट, पेपर, रेडियो, फोन, सारे देख या टच कर सकते हो. माउस, बेड, कैट, ग्रेप्स, हैमबर्गर, फ्रॉग, टेबल, टीचर, हाउस, कोई रिपीट भी आ सकता है, माय मिस्टेक, फ्लैग, सूप, चेयर, नोटबुक, पेंसिल, पेन, टेलीविजन, दीज आर ऑल कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ड विद आवर फाइव सेंसेस. क्या बोला है? कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ड विद आवर फाइव सेंसेस. पांच सेंस में से कोई एक भी सेंस पहचान सकती है. कॉन्क्रीट बन गया. इज इट क्लियर? अब आगे का देखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट होगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिस्ट. हेट नहीं दिखाई देता. हेटर्ड नहीं समझ सकते. ऑनर किसी का ईगो नहीं पता चलता. कोई भी सेंस नहीं बता सकती ईगो का, ईगो के बारे में. फेलियर नहीं बता सकते. फेथ नहीं बता सकते. ईविल नहीं बता सकते. जो आपको पता है चाइल्डहुड अभी अभी देखा हमने. कोल्डनेस, कोल्ड होगा तो बता सकते. कोल्डनेस नहीं बता सकते किसी चीज की, दूर से देखना पड़ेगा. ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, जॉय, जस्टिस, काइंडनेस, लॉ, लिबर्टी, लाइफ, लॉस, लव, ये सारे वर्ड्स पांच की पांच सेंस नहीं बता सकते. एजुकेशन भी पहला वाला वर्ड इधर आ गया ना, जो आप जानते हो. एंगर, बाकी सारे वर्ड्स ऐसे ही है. ये कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है इसमें जिसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो. कुछ नहीं, नहीं कर सकते. स्किन से टच किया जाता है ना. तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट. अब आपको फिर से पहली वाली स्लाइड दिखा देते हैं. ये सारे वर्ड्स आपने क्या करने हैं, टू टाइम्स लिखने हैं. राइट टू टाइम्स. ठीक है, ये सीडब्ल्यू में आप जो भी सिखाया गया उसे टू टाइम्स लिखिए. कॉन्क्रीट नाउन लिस्ट को सेम चीज यहां करोगे. आप इसे भी क्या करोगे, टू टाइम्स ही लिखोगे. क्यों बोला? रीजन है इसे लिखने का. ये वर्ड्स अगर आपको अच्छे से याद हो गए हैं तो जब भी आएंगे आप फटाक से बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है. इज इट क्लियर? सो टू टाइम सारे वर्ड्स को लिखिए. व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, आपने जो भी होमवर्क लिखा है वो. अब आपको मिलेगा होमवर्क. अब ये होता है सॉल्व करने वाला. अब यहां प्रैक्टिस है. यहां हमने आंसर शीट निकाली है कि किस तरह से आंसर. देखिए यहां पे आपको सर्कल किया है नॉलेज को. ये है आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और ऑर्डर है आपके लिए. ये कौन सा है? देखिए ऑर्डर. आप बोलोगे मतलब स्मेल आती है ना, नाक से फील कर सकते, इसलिए ये हुआ कॉन्क्रीट. हम सी लिखेंगे कॉन्क्रीट के लिए. फास्ट होगा. टेबल टच कर सकते हो, सी कॉन्क्रीट है. रिक्लाइनर चेयर होती है, कॉन्क्रीट है. रैबिट तो एनिमल है, कॉन्क्रीट है. साइलेंस नहीं दिखाई देता ना, कानों से सुनाई भी नहीं देता. दैट्स व्हाई ये एब्स्ट्रैक्ट है. एटीट्यूड किसी का होगा. सर्कल में एब्स्ट्रैक्ट लिखा है और लाइन जिसको मारी है वहां पे कॉन्क्रीट नाउन. शर्ट कॉन्क्रीट है. फेथ एब्स्ट्रैक्ट है. जेनरोसिटी एब्स्ट्रैक्ट है. फियर एब्स्ट्रैक्ट है. इसका क्वेश्चन पेपर डिलीट हो गया है. सो ये आप लिख सकते हो. अब आपको मिलेगा वर्क. दिस इज योर होमवर्क पेज नंबर वन. पहले वाले वर्ड वो वर्ड प्रैक्टिस के लिए होते हैं. ये आप लिखोगे, इसके आंसर भी मिल जाते हैं. सॉल्व करोगे. क्या बोला है? रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट को अंडरलाइन करिए, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट को सर्कल करिए. पहला सेंटेंस में सॉल्व करके आपके लिए दिखा देता हूं. आई फेल्ट पेन विद डेंटिस्ट टुक माय टूथ आउट व्हेन सॉरी आई फेल्ट पेन व्हेन डेंटिस्ट टुक माय टूथ आउट. पेन दर्द हुआ, नहीं देख सकते. देखिए सर्कल एब्स्ट्रैक्ट करने को बोला है और आपको कॉन्क्रीट नाउन को अंडरलाइन. डेंटिस्ट देख सकते हो, टूथ देख सकते हो, अंडरलाइन करिए. पेन दर्द आप नहीं देख सकते. नीचे आपको पता चल गया होगा लव, इसको सर्कल करेंगे हम. लेकिन चाइल्ड बच्चा है, यहां पे अंडरलाइन आएगा क्योंकि इसको देख सकते हो. बाकी आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है. जरूर सॉल्व करिए. आंसर्स भी इसी स्लाइड्स में आपको दिखाई दिए जाएंगे. यहां पे है आंसर्स, बाद में चेक करिए. अब कैसे वीडियो में आपको साथ में दोनों चीजें दिखानी पड़ती है. जैसे मैंने बोला पेन को हमने सर्कल किया था, डेंटिस्ट को अंडरलाइन किया था, टूथ को भी अंडरलाइन किया था. लव एब्स्ट्रैक्ट है, सर्कल किया,
child को underline किया क्योंकि concrete noun है, concrete को underline करना है. देखिए underline the concrete, circle the abstract, ये पढ़ा करिए question को. ये हो गया answer, आप रुका के check कर सकते हो. अब जैसे कि आपको बता था कि हमने types complete कर ली है 3 and 4, homework भी हो चुका है, practice करिए. WhatsApp पे मुझे आप send कर सकते हो. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए, सजेशंस हो तो भी बताइए, लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए. थैंक यू.